हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 5 के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान को। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 5 का लास्ट पार्ट है, कंप्यूटर का ज्ञान। इसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। इसे बताया जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि कौन सा विंडोज सर्वर संस्करण क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अनुकूलित है और इसमें नैनो सर्वर और कंटेनर समर्थन जैसी सुविधाएं शामिल है, बताइए वो कौन सा है। तो जी हाँ, इसमें याद रखिए कि यह है आपका विंडोज सर्वर 2016, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग विंडोज टास्क मैनेजर के प्रथम कार्य की बात करते हैं तो इसका प्रथम कार्य जो है कि चल रही प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों की निगरानी और प्रबंधन करने के लिए इसका यूज़ जो है वो बेसिकली किया जाता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ में फाइल कंप्रेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो जी हाँ, विंडोज़ में फाइल कंप्रेशन का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो आपका होता है भंडारण दक्षता के लिए, फाइल का आकार कम करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि भारत में एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित यानी डिजाइन किया, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा तो ये आपका समरेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा जो है वो आपका वर्ष 1953 में भारतीय सांख्यिकी संस्था में भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर जो है वो आपका निर्मित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डाटा भंडारण उपकरण यानी कि डाटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका द्वितीय भंडारण का एक उदाहरण है ना, याद रखिएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ होता है, तो जी हाँ, नेटवर्क में WPP का अर्थ जो है वो आपका होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में नीबल को क्या कहा जाता है, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि कंप्यूटर शब्दावली में नीबल को आधा बाइट भी कहा जाता है, यानी 4 बिट्स के समूह को एक नीबल कहा जाता है, याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका आधा बाइट ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन को उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक लिपि है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडो कोड। स्यूडो कोड वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन को उपयोग करते हुए कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन जो है वो किया जाता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने तथा इसे पावर प्रदान करने की प्रक्रिया है, बताइए क्या प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो जी हाँ, इसे बूटिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस 365 में शेयर पॉइंट ऑनलाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो जी हाँ, ऑफिस 365 में शेयर पॉइंट ऑनलाइन का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो आपका होता है दस्तावेजों और फाइलों को संग्रहित करना और साझा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वन नोट सुविधा उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में सहयोग करने और दूसरों द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखने की अनुमति देती है, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो आपका होता है वन नोट नोटबुक शेयरिंग होता है ना, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शैलियों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, बताइए। तो जी हाँ, याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शैलियों का उपयोग करने का मुख्य लाभ जो है वो आपका होता है कि वे पूरे दस्तावेज में लगातार स्वरूपन सुनिश्चित करते हैं ना, ये इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी पावर पॉइंट सुविधा आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देती है कि प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड कैसे बदलती है, जैसे कि स्लाइड ट्रांजिशन, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि वो आपका होता है स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प, इसके थ्रू जो है आप इसे बदल सकते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा ऑफिस एप्लीकेशन क्विक एक्सेस टूल बार प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड को कस्टमाइज करने और जोड़ने की अनुमति देता है, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि वो आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि AI में ट्रांसफर लर्निंग शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो जी हाँ, आप याद रखिएगा कि AI में ट्रांसफर लर्निंग शब्द का मतलब जो है वो आपका होता है नई संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है ना। वहीं
आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, वो आपका होता है MITI डिवाइस होता है ना। चलिए, वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसका एक व्यवहारिक उपयोग जो है वो आपका है कि आपका जटिल अनुकूलन समस्याओं का समाधान करना, इसका एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस क्वांटम एल्गोरिदम में असतत लघुगणक समस्या और पूर्णांक गुणनखंडों को कुशलतापूर्वक हल करके क्रिप्टोग्राफी में क्रांति लाने की क्षमता है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि वो आपका होता है सोर का एल्गोरिथम। क्या होता है? सोर का एल्गोरिथम होता है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्वांटम कंप्यूटिंग में मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड रणनीति का लक्ष्य क्या हासिल करना है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो आपका है कि लचीलेपन और अतिरेक के लिए कई क्लाउड प्रदाताओं का लाभ उठाना, ये इसका लक्ष्य है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डाटा नैतिकता और जिम्मेदार AI में मुख्य विचार क्या है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि डाटा नैतिकता और जिम्मेदार AI में मुख्य विचार है कि डाटा प्रबंधन और निक्षेपण, पारदर्शिता और गोपनीयता, ये इसका जो है मुख्य विचार है ना, याद रखिएगा। तो देखिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग जो है कंप्यूटर के ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 5 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है और हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 5 पे ही इसे क्लोज करते हैं। हम लोगों का टारगेट जितना था उतना तो माफ कीजिएगा नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही साथ ये सारा का लिंक जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यानी कि PDF का लिंक आप टेलीग्राम चैनल पर स्टडी कर सकते हैं। वहां से आप सारे PDF को डाउनलोड कीजिए और फटाफट से उसे सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, तो उसके नीचे हर PDF के नीचे आपका उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, जहां से आप वीडियो को भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।